कोरोना वॉरियर्स सहिया दीदी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके विरोध में महिलाओं ने थाने का घेराव किया और जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। आरोपी पर कार्रवाई की मांग करते हुए भदानी नगर ओपी के समक्ष अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस कोरोना काल की विकट परिस्थिति में अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार आम आवाम की सेवा कर रही कोरोना वॉरियर्स सहिया दीदी के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने का मामला रामगढ़ जिले के भदानी नगर ओपी पहुंचा, जहां महिलाओं ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और मारपीट के विरोध में भदानी नगर ओपी का घेराव करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण क्षेत्रों में गहन सर्वे और कोविड जांच करने के दरमियान सहिया दीदी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, उनके कोरोना संक्रमित होने की झूठी अफवाह भी क्षेत्र में फैला दी गई। मारपीट के आरोपी पर कार्रवाई की मांग करते हुए सहिया आंगनवाड़ी सेविका और सखी मंडल की कई महिलाओं ने भदानी नगर ओपी का घेराव किया और ओपी के समक्ष जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ पत्रातू भदानी नगर ओपी पहुंचे और वहां विरोध व्यक्त कर रही महिलाओं को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर उनके विरोध को शांत करवाया। आपको बता दें कि अपनी जान को जोखिम में डालकर इस महामारी की विकट परिस्थिति में घर घर जाकर कोविड 19 का जांच करने वाली महिलाओं के साथ यह शर्मसार करने वाली घटना रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड स्थित भदानी नगर ओपी क्षेत्र के पुरसे गांव की है, जहां सहिया दीदियों के द्वारा गहन जन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत सर्वे का काम किया जा रहा था। इस दौरान गांव के कुछ युवकों के द्वारा बदले की भावना से ग्रसित होकर यह अफवाह फैलाई गई कि सर्वे के काम में लगी यह सहिया दीदी कोरोना पॉजिटिव है और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया। इससे संबंधित ओपी थाने में मामला दर्ज कराया गया। आप सुने विरोध व्यक्त कर रही सहिया दीदियों को। हम सर्वे करने के लिए जाने लगे तो हमसे सब कोई दूरी बनाने लगे कि वो कोरोना पॉजिटिव है और सब हमसे दूरी बनाने लगे, तो हम उनको हम पूछताछ करने के लिए हम और हमारे बेटे दोनों हम लोग गए पूछने के लिए कि बाबू आप ऐसा अफवाह क्यों फैला रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव का सर्टिफिकेट हमारे पास है, कोरोना का जांच का सर्टिफिकेट हमारे पास है, सरकार दिया है हम लोग को सर्टिफिकेट, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोरोना पॉजिटिव है। इसे बोले हमको कोई बोला है तो हम कौन बोला सो बताइए, बस इसी दौरान हमको मारपीट किया है वो लोग। वही इस पूरे मामले पर एसडीपीओ पत्रातू श्री वीरेंद्र चौधरी ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात की। ये सहिया दीदी अभी कंप्लेन की कि हम जो है सभी हम लोग फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, वाकई में बहुत लोग काम कर रही है और उसको उसका गलत अफवाह कर दिया कि हम इसको कोरोना हो गया है। कहाँ से बोलते हैं? कौन कुर्से पंचायत से। तो उसी को लेकर के थोड़ा सा विवाद बात बढ़ी थी, अभी लोग सब आए थे, अभी हम लोग समझा दिए दोनों तरफ से गलती जो भी हुआ है इस पर हम लोग कार्रवाई और आवश्यक जो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। मुंह खोली दोस्त जी, आपके बिना मुंह वाले दोस्त जी को खाना खिलाना फिर भी आसान है, लेकिन इन दोस्त जी को चूज करना बहुत ही मुश्किल। ओके ओके, चूज करना बहुत ही मुश्किल है, चूज करना बहुत ही मुश्किल है। सॉफ्ट सॉफ्ट, प्रिटी प्रिटी, लाइट वाले, सॉफ्ट वाले, मूंछ वाले, पूंछ वाले, इतने दोस्त जी हैं फर्स्ट क्राई पर। अब आप ही कीजिए, एक को चूज, बच्चों की शॉपिंग, बच्चों का खेल नहीं। न्यूजीलैंड चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।